अजय भट्ट जी का काफी आक्रामक रूप रहा है हरीश रावत को लेकर, फिलहाल पर्दाफाश रैली से किस तरीके रुड़की और पूरे उत्तराखंड में जाने वाला है उस पर बातचीत करने की मौजूद है अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी, आज आपका काफी आक्रामक रूप देखने को मिला है, क्या वजह रही, क्या मानते हैं उत्तराखंड किस ओर अग्रसर हो रहा है? पूरा उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जा रहा है और सारी जनता चाहती है कि हर हालत में कांग्रेस की विदाई हो और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आए। जो उत्साहित होकर आज लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता और जनता, ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह का उत्साह भरा हुआ लबालब, और लोग चाहते हैं कि कल इलेक्शन हो जाए, डिक्लेयर हो जाए और सीधे भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देके कांग्रेस को बेदखल कर दें। ये मैसेज पूरे प्रदेश में है और प्रदेश भी देख रहा है। यहाँ की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, सब इस बात को समझ रहे हैं कि जो बगदादी लुटेरों की तरह से लूट चल रही है, ये कांग्रेस से प्रदेश को बचाया जाना बहुत आवश्यक है। एक हालिया में रात लिस्ट जारी हुई है लाल बत्ती का, फिर एक शगुफा छेड़ा जा रहा है, रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। वो तो खजाना खाली कर दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस उसको अपने घर का खजाना समझ रही, आम जनता का खजाना है जबकि उत्तराखंड का। इतनी लाल बत्तियां बांट दी हैं, इतनी लाल बत्तियां बांट दी हैं। इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष है उसका भी जबरदस्त विरोध, उसका भी जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है। जो आर्मी में हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनके पास चार गाड़ियां हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे नातेदार हैं, मेरे इलाके के हैं, अपने घर के हैं, उनको बुरी तरह से मुख्यमंत्री जो विवेकाधीन कोष है उसको दे दिया गया है। जरूरतमंद जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, मैंने एक का एस्टिमेट बना के दिया सरकारी अस्पताल का, दिल्ली का एम्स का, 3 लाख का था, उसको 3,000 दिए। और जो रिश्तेदार हैं या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ना तो एस्टिमेट होता है कुछ नहीं, वो खाली कह देता है मुझे इतनी तबीयत खराब हो गई, पैसे की जरूरत है, डिमांड उसकी 3,000 की होगी तो उसको 3 लाख दे रहे हैं। तो ये तो हो रही है, अंधों की तरफ से रेवड़ी बांट रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्री अजय भट्ट जी, जिनके द्वारा सरकार में अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की गई और जिस तरीके से आज अजय भट्ट जी का जो आक्रामक रूप था वो हरीश रावत सरकार को लेकर था, हरीश रावत के खिलाफ था। कैमरामैन नीम कुमार के साथ में मैं जुगा